हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपना तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक लेके आए हैं क्या? आज का टॉपिक लेके आए हैं संचरण यानी परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के आज एक एक क्वेश्चन आपको बता देंगे जो कि एसएससी जीडी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपके हृदय के यानी आपके दिल के बारे में बात किया जाएगा कि वह कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, कैसे उसमें इम्प्योर ब्लड आता है, कहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, कहाँ से जो हार्ट होता है कैसे या शुद्ध ब्लड को कन्वर्ट करके कैसे पूरे आर्गन में उसका सर्कुलेशन करता है यानी परिसंचरण करता है। इसके बारे में उसमें हार्ट में आपका कितने चैम्बर होते हैं ये भी आपका डिस्कस किया जाएगा। हार्ट का जो पंप करता है तो कैसा ध्वनि सुनाई देता है उसका भी डिस्कस किया जाएगा इस क्वेश्चन इस वीडियो में। आपको एक भी क्वेश्चन आपको बचने वाला नहीं है इस टॉपिक में। देखिए शुरुआत में आपको डाल चुके हैं टीथ का यानी कि डेंटल फॉर्मूला वगैरह डाल चुके हैं, उसको उस वीडियो को देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम भी डाल चुके हैं यानी पाचन तंत्र भी डाल चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। उसको देखेंगे तो हमारे वीडियो जिसे देखते जाएंगे तो उसके जैसे कंटेंट पड़े हैं उसी के आधार आप देखे जाएंगे तो हमारे जो ध्वन या जो बोल रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? पर यानी चारों तरफ असंचरण सर्कुलेट होने वाला, पर यानी चारों तरफ असंचरण सर्कुलेट होने वाला। तंत्र का मतलब होता है यानी सिस्टम वर्ड लिए यानी तंत्र। तंत्र वह होता है यानी वे बहुत सारे आर्गन, वे बहुत सारे अंग जो एक ही तरह का कार्य करते हैं, वे बहुत सारे अंग जो एक ही तरह का कार्य करते हैं उनके समूह को क्या नाम देते हैं? तंत्र का नाम देते हैं या फिर कह सकते हैं सिस्टम का नाम देते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे इसमें पहला पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट यानी कि हृदय। दूसरा यहां पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं। क्या? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? वे पतली पतली नलिकाएं जिनके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो होता है या फिर सर्कुलेट होता है उसे हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। वे पतली पतली नलिकाएं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है उसे रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। अब नेक्स्ट है ब्लड यानी कि रक्त। इसे खून भी कह सकते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं। अब बोलेंगे सर ब्लड वेसल्स क्या होती है? तो बता चुके हैं ब्लड वे होते हैं, वे पतली पतली नलिकाएं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है उसे रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ पर ब्लड क्यों लिखे? तो ब्लड मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट की तरह कार्य करता है, एक कंपोनेंट को सर्कुलेट करता है। किस कंपोनेंट को सर्कुलेट करता है? तो O2 को। किसे? तो O2 को यानी कि ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ब्लड ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। अब देखें हार्ट क्या होता है? हार्ट यानी कि हृदय। इसके बाद हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसके स्टडी को क्या करते हैं यानी साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो कार्डियक नाम से जाने जाते हैं, सॉरी कार्डियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कार्डियोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्डियोलॉजी वर्ड देते हैं। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करना। तो किसके बारे में अध्ययन करना? तो हृदय के बारे में अध्ययन करने को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका जो हृदय के डॉक्टर वगैरह होते हैं वो जो पीजी वगैरह कर लिए होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट नाम से जाना जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट किस नाम से? तो कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट कैसा आर्गन है? तो हार्ट इज द सर्कुलेटरी आर्गन।
यानी कि हृदय एक परिसंचरण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हार्ट इज द मस्क्यूलर ऑर्गन, मस्क्यूलर ऑर्गन यानी कि पेशी अंग। हृदय क्या है? पेशी अंग है। क्या है? तो हृदय एक पेशी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट कैसा ऑर्गन है? तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पंपिंग ऑर्गन, हार्ट कैसा ऑर्गन है? तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। इसका हिंदी भी यही होता है पंपिंग ऑर्गन। पंप का मतलब होता है, जैसे पंपिंग यहाँ वर्ड लिया है ना, तो इसके मतलब क्या होता है? आपके छत पर टैंकी लगा होता है, टैंकी का सप्लाई अनेक रूम में किया जाता है, तो उसमें हम टैंकी में पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे तो उस सारे रूम में उस सप्लाई कर देगा, पानी का सप्लाई कर देगा। सेम वैसे ही हमारा हार्ट है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड जाएगा और प्योर ब्लड कन्वर्ट कर पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। इसी को इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, किसके बारे में? हार्ट के बारे में। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल में जितने भी कंटेंट आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वह कैसा लगा। तो दोस्तों आप अब देखें कि इसका पढ़े हार्ट, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा हार्ट के अधिशांश की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हृदय के जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, पीजी वगैरह कर लिए होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट कैसा ऑर्गन होता है, क्या बताएंगे? तो हार्ट इज द सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी परिसंचरण अंग है। परि माने चारों तरफ, संचरण में सर्कुलेट होने वाला, ऑर्गन ऑर्गन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट इज द मस्क्यूलर ऑर्गन, पूछ लेगा कि हार्ट कैसा ऑर्गन है? तो हार्ट इज द मस्क्यूलर ऑर्गन, पेशी अंग है, यानी हृदय एक पेशी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा हार्ट कैसा ऑर्गन है? तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, यानी पंप करता है। किसका पंप करता है? तो ब्लड का पंप करता है। किसका ब्लड पंप करता है? तो ब्लड, ब्लड का। यहाँ वर्ड लिया मस्क्यूलर, मस्क्यूलर क्यों लिया? क्योंकि ये मसल्स का बना होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा टंग, यानी कि अपना जीभ, ये भी क्या होता है? ये भी मसल्स का बना होता है, इसको भी मस्कुलर ऑर्गन से नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसका वेट वगैरह कितना होता है, हृदय का वेट कितना होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है, हार्ट का वेट इसका देखिए, इसका वेट तो ऐसे देखा जाए तो 280 से 340 ग्राम्स होता है, और इन्फेंट यानी कि जस्ट बेबी बॉर्न में देखा जाए तो कितना होता है? तो 15 से 20 ग्राम होता है। कितना? 15 से 20 ग्राम होता है। अब ये देखिए कि अब फीमेल में कितना होता है और मेल में कितना होता है, तो आपको बताने की योग्य बात यह है कि जो फीमेल में वजन होता है वो पुरुष के अपेक्षा कम होता है। क्यों कम क्यों होता है तो इसको बता रहे हैं आपको। पहले देख लीजिए इसका वेट कितना होता है, फीमेल में देखेंगे, फीमेल में देखेंगे तो 230 से 280 ग्राम्स होता है, और मेल में देखेंगे, मेल में तो मेल में होता है 280 से 340 ग्राम्स। क्वेश्चन उठाना कि मेल में क्यों कम होता है और फीमेल में क्यों कम होता है, मेल में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो
पूरे आर्गन का जितने भी हमारे शरीर में आर्गन यानी अंग पाए जाते हैं वे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी बॉडी के वजन के अनुसार उसका वेट होता है पूरे आर्गन का। जैसे कि आप देख लेंगे वहां पर लीवर देखेंगे तो लीवर का वजन पुरुषों के अपेक्षा कम होता है, हार्ट का भी वैसे ही। आपका क्वेश्चन उठ गया है और फीमेल में क्यों कम होता है मेल में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। किसका वेट का? तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका सारे अंग का जो वजन होता है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। पुरुषों में क्या होता है बॉडी वेट क्या होता है अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, और वही फीमेल में देखेंगे तो कुछ कम होता है। फीमेल में क्या होता है मिनिमम होता है, मिनिमम। इसीलिए इनका सारे आर्गन किसी भी आर्गन को देख लेंगे, लीवर में देख लेंगे, किसी भी आर्गन को देख लेंगे, पेट वगैरह किसी आर्गन यानी अंग को देख लेंगे तो उसका पुरुषों के अपेक्षा क्या होता है कम होता है। इसी कारण यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। कितना देखेंगे आप, अब देखेंगे हम हृदय का संरचना कहाँ स्थित होता है, इसका लोकेशन क्या होता है, किसका तो हृदय का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन यानी कि स्थान। इसका लोकेशन होता है चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी क्या होता है जो बता दें, यहां से लेकर और इनके बीच में यानी यहां से लेकर इनके बीच का जो स्पेस दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं चेस्ट कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो प्रकार के अंग पड़ेंगे, पहला पड़ेंगे लेफ्ट लंग्स, यहां पर होगा लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट लंग्स, क्या तो लेफ्ट लंग्स। इधर वाला इधर को क्या नाम देंगे तो राइट लंग्स, इधर वाला क्या है लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स होते हैं वो लेफ्ट लंग्स क्या होते हैं थोड़ा बड़ा होते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, और यहाँ पर अपना क्या होता है हृदय होता है, हृदय ये हमारा हृदय है। इस गड्ढे को क्या नाम देते हैं जिसमें अपना हृदय है इसे किस नाम से जाना जाता है, इस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है तो नोच के नाम से जाना जाता है, नोच, और नोच यानी कि गुहा, गुहा। और इस हृदय को किस नाम, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो इसे जो हृदय है उसे साइंस की ब्रांच में इसे कहते हैं कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक। यहां पर सी है सी, कार्डियक यानी कि हृदय गुहा, हृदय गुहा हो जाएगा, हृदय गुहा। और यहां से इनके बीच यहां से लेकर यहां तक के इनके बीच की दूरी जो होती है उनके स्पेस जो होता है उनको किस नाम से जाना जाता है तो बता दें आपको कि मीडिया स्टेनम स्पेस के नाम से जाना जाता है, किस नाम से तो मीडिया स्टेनम स्पेस के नाम से जाना जाता है, मीडिया स्टेनम स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब बता दें इसका कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लेगा कि जो हृदय होता है वो राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है, तो क्या बताएंगे कि लेफ्ट में होता है, कैसे होता है तो आपको क्लियर बता दें, क्लियरली बता दें इसका जो अपना रिप्स होता है कितने रिप्स होते हैं तो 12 जोड़े रिप्स होते हैं, 24 नंबर में देखें 24 क्या होते हैं रिप्स होते हैं, तो इनके अंदर ये क्या होता है पैक होता है, यानी उसका प्रोटेक्शन करने का रिप्स जो होता है हृदय का प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। कैसे होता है तो दिखाते हैं आपको, इतना मिटा दें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट कैसे शिफ्ट होता है रिप्स के अंदर। तो पहले देखिए रिप्स कितने रिप्स होते हैं तो बता दें आपको 12 पेयर्स होते हैं, पेयर
कितने 12 में, और नंबरिंग में पूछ लेगा तो क्या बताएंगे 24 रीफ्स। देखिए ये अपना स्टर्नम हो गया, चेस्ट, इसको किस नाम से जाना जाता है, चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, चेस्ट बोन, चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, किस नाम से, जो छाती की हड्डी। अब हड्डियों का, हड्डियों का भी तो नाम होता है, क्या क्या नाम होता है, जैसे कि जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, इसे मैंडिबल कहते हैं, वैसे ही आपको बता दें कि इसका जो नाम होता है स्ट्रेनम, हड्डियों का भी नाम होता है, इसका क्या नाम हो जाएगा, स्ट्रेनम, स्ट्रेनम, स्ट्रेनम। अब देखिए ये रिप्स हो गया, ये भी रिप्स, ये रिप्स, एक और रिप्स, रिप्स, अब इधर भी उतना ही खींच लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ये कोई जरूरत नहीं है कि जितना रिप्स हो उतना ही लिखें, उतना हम लिख दे रहे हैं। देखिए सेकेंड, सेकेंड रिप्स, और एक दो तीन चार पाँच, एक और यहाँ लिख लीजिए छः, सिक्स रिप्स, और इनके बीच में क्या होता है, हमारा हृदय होता है, यानी यहाँ अपना हृदय है, ये अपना हृदय है, ये क्या है, हृदय है, और इतना इधर जो होता है हृदय अपना, वो 70 से 80% इधर होता है, यानी राइट लेफ्ट में, अपना लेफ्ट में, लेफ्ट में हृदय होता है, यानी जो लंग्स के लेफ्ट में कितना परसेंट होता है, तो 70 से 80% होता है, यानी कि ग्राम में देखें तो 220 ग्राम होता है, 220 ग्राम होता है, और इधर देखें तो इधर ज्यादा नहीं होता है, वैसे तो 15 से 20 ग्राम होता है, 15 से 20% राइट साइड में, राइट लंग्स में अपना को क्या होता है, तो हृदय होता है, इसे इसमें 80 ग्राम जो होता है इधर वजन होता है। बहुत लोग कहते हैं कि इसका राइट में हृदय है, लेफ्ट में हृदय है, तो ऐसा कोई बात नहीं, कि आपको बता क्या बताना है, तो ज्यादा यानी 70 से 80% किधर होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि बायां, बायां फेफड़े में होता है, और 15 से 20% किधर होता है, तो राइट लंग्स में होता है, यानी दायां। आज का कंटेंट इतना ही रहने दें, इतना ही टॉपिक आपका पढ़ाया गया है आज, और नेक्स्ट टॉपिक आपका कल पढ़ाया जाएगा। प्लीज भाई, पढ़ाने का थोड़ा भी मन नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर जो है, हमारे जो सब्सक्राइबर बहुत कम है, प्लीज उसको मोनेटाइज कम से कम करा दीजिए, मोनेटाइज कराने में आपको फर्स्ट फ्रंट टू फ्रंट आपका जवाब मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तुरंत उसका सॉल्व किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा उस टाइम जब आप लाइव में होंगे, लाइव चैट करेंगे, उसे तुरंत सोल्यूशन निकल कर आपको दे दिया जाएगा, तो अब तो करो सब्सक्राइब, शेयर तो करो, कब करोगे, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की इंप्रेस कर लो, धन्यवाद।